कोरोना की वबा से कैसे निपटें, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास में 1200 अरब के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। इमरान खान ने इंतजामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा, मुल्क में आटे समेत अशियाए खुर्नोश की किल्लत नहीं होनी चाहिए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का माल भी नहीं रोका जाना चाहिए, कीमतों पर खुसूसी नजर रखी जाए। कोरोना के फैलाव से पैदा बहरान से निपटने के लिए बैठक पर बैठक, वजीर आजम की जेरे सदारत वफाकी काबीना का एक और इजलास हुआ जिसमें कोरोना वायरस के बायस मुल्क की मजमुई सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि काबीना को ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम ने हिदायत की कि मुल्क में आटे समेत अशियाए खुर्नोश की किल्लत नहीं होनी चाहिए और कीमतों पर भी नजर रखी जाए। वजीर मुराद सईद और फैसल वाडा ने कहा कि कोरोना के हवाले से वजीर आजम के बरवक्त इकदाम को नुमाया अंदाज में पेश नहीं किया जा सका। वजीर आजम ने एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस लेते हुए हिदायत की कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स समेत तमाम एक्सपोर्टर्स का माल नहीं रोका जाना चाहिए, मुतलका वजारत और हुकाम मामले को देखें। काबीना अरकान ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए मखसूस ढाबे और होटल्स खोले जाने की भी तजवीज़ दी है।